वी हैव डन नेशनल इनकम. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? इनकम ऑफ द होल इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NAPIA will give you national income. Now we have three methods. I told you we have three methods to calculate national income. National income is what? NI is equal to domestic income plus NAPIA. Online students, board is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, national income, for calculating national income, we have three methods. Name them. Ma'am, product method. Yes. Income method and expenditure method. Product method. Expenditure method. Income method. And third is expenditure method. अनदर नेशनल इनकम का हिंट दे रही हूँ. व्हाट इज नेशनल इनकम? देख बेटा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या होता है? वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर विद इन विच पर्सन कैपिटल एंड मनी सर्कुलेट फ्रीली एंड दिस टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, वो एरिया जहाँ पे आपके लोग, आपके गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी कैपिटल, आपका पैसा जो है वो फ्रीली क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, तो इंडिया के है ये सारा डोमेस्टिक टेरिटरी है. किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है. ठीक है, अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की अपनी है, कनाडा की अपनी है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया? वो पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर जहां पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पर्सन, हमारी कैपिटल फ्रीली ऑपरेट करती है. अब ये डोमेस्टिक इनकम मान ले इंडिया की, हम तो इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम होगी. नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम के लिए कॉन्सेप्ट बता रही हो अभी, हालांकि बड़ा कॉन्सेप्ट है. रेजिडेंट, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट पता होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट पता होना चाहिए, तब जाके आप नेशनल इनकम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NAPIA प्लस कर देते हैं, NAPIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये इनकम क्या है बेटा? वो इनकम जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, वो इनकम जो हम पे कर रहे हैं. देख, जैसे अगर इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका जाके काम कर रहा है, तो वो पैसा अर्न कर रहा है वहां पे, तो वो क्या कर रहा है? पैसा इंडिया में लेके आ रहा है. सो दैट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो वो इनकम रिसीव हो गई. ठीक है, अब मान लिया कोई श्रीलंकन इंडिया में आके काम कर रहा है, तो हम उसको पैसे पे कर रहे हैं. ये पैसा कहाँ जा रहा है? उसके पास जा रहा है. तो इनकम पेड मतलब जो लोग हमारे बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, बाहर की कंट्री वाले जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इनकम रिसीव में से इनकम पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? NAPIA आएगा. ये NAPIA जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देते हैं, तो पूरे नेशन की इनकम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज नेशनल इनकम. क्लियर? अभी सिर्फ मैंने देखो बहुत प्रिसाइज फॉर्म में सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अदरवाइज डिटेल टॉपिक था ये, राइट? समझ आ गया इतना? क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम जो विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस होती है, अगर इसमें NAPIA प्लस हो जाता है, यू विल गेट नेशनल इनकम. NAPIA इज वॉट? फैक्टर इनकम वॉट एवर वी हैव रिसीव माइनस फैक्टर इनकम वॉट एवर वी हैव पेड. ठीक है, सो द नेट अमाउंट इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ठीक है, नाउ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव थ्री मेथड, प्रोडक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाँ वैल्यू एडिशन, वैल्यू आउटपुट या टोटल आउटपुट. वैल्यू एडेड दीज आर द नेम फॉर प्रोडक्ट मेथड. तो आज हम लोग क्लास में ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड, राइट बच्चों? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, वो इन तीनों में से दो मेथड्स पे आएगा.
like एक question होता है and they will say solve the question by two methods, by income expenditure, by product income, मतलब कोई भी combination में आ सकता है, दो methods आते हैं solve करने के लिए. Clear everyone? So your numerical will be based on these three methods and it will be of 6 marks. पूरा एक अकेला numerical 6 marks का आएगा, एक 4 marks का आएगा. एक 4 marks का जो हमने छोटे छोटे questions किए ना अभी GDP, अभी के आप लोगों के टॉपिक में पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम डिलीट हो गया. नहीं तो 3 marks का क्वेश्चन, 4 marks का क्वेश्चन उस पे बेस्ड होके आता था. अब इस पे आएगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट किए ना आप लोगों ने लास्ट क्लास में, इस पे बेस्ड 3-4 marks का न्यूमेरिकल आएगा. क्लियर बच्चों? तो प्रोडक्ट मेथड इट इज वेरी इजी मेथड. तीनों मेथड से नेशनल इनकम का आंसर ऑलवेज सेम आएगा. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड, व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड. मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, किसी न किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं. अनदर लुक हियर, ये क्या थी बच्चों हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, राइट? इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन. Now, within this boundary line, whatever goods we have, they all are intermediate goods. They all are intermediate goods. ये बेटा एक production boundary line है, imaginary line है. जैसे हम factory में production कर रहे हैं, manufacturing कर रहे हैं, right? तो जो चीज factory के अंदर अंदर है, ये एक imaginary line है कि हम मान के चलते हैं कि ऐसी एक line बनी हुई है. जैसे ही factory से goods cross करेंगे, यानी जैसे इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से गुड क्रॉस करेंगे, दे विल बिकम फाइनल गुड. दे विल बिकम फाइनल गुड. दीज आर द बेसिक टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन. तो फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, क्लियर है ना? देख अब जैसे हमने क्या करना है, एक बिस्किट बनाना है, राइट? तो बिस्किट के लिए मेरा ऑयल, शुगर एंड बेकिंग पाउडर एज वेल एज फ्लावर, ठीक है? ये चारों चीजें कंबाइन करके मैंने एक सिंपल सा आटा बिस्किट बनाया. तो ये जब तक इस बाउंड्री लाइन के अंदर है, दे ऑल आर इंटरमीडिएट, बट वंस दे क्रॉस दिस लाइन, दे विल बिकम फाइनल गुड. तो जब ये क्रॉस किया तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? बिस्किट, राइट? अब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये बिस्किट कब बना? जब इन सब चीजों में वैल्यू एड की गई. वैल्यू एड की गई ना, so that is why this method is also called as value added method. क्योंकि oil, oil को हम किसी भी purpose में use कर सकते हैं. Sorry? So oil, sugar and baking powder and flour, इनमें क्या हुआ? Value add. Value add होने की वजह से they turn up into biscuit. वो किसमें आ गए? Biscuit में convert हो गए. So that is why this method is value added method. अब इसका मेथड क्या, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें कौन से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? अच्छा बच्चों, व्हाट इज नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम का, बोलो? डोमेस्टिक इनकम प्लस द फियर. डाटा है रिटर्न ऑन द बोर्ड. मतलब नेशनल इनकम को और क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट डज इट मीन? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी एट एफपी, ठीक है? अनदर, अगर क्वेश्चन में खाली लिखा हुआ है नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो इट मीन इट इज एनएनपी एट एफपी, राइट? अगर बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो इट इज एनडीपी एट एफपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? अब इसका मेथड देखो बच्चों, बाद में नोट करना. फर्स्ट इज योर फर्स्ट स्टेप, जीवीओ. हमने क्या निकालना है? जीवीओ. जीवीओ इज व्हाट? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट.
ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, सम टाइम्स क्वेश्चन में खाली वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन होगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी एट एमपी। किस पे होगा ये? एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। फॉर्मूला इज प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। फाइंड जीवीओ। अब इसी में प्राइस इन इनटू आउटपुट विल गिव यू सेल। समटाइम्स प्राइस और आउटपुट होगा क्वेश्चन में, समटाइम्स डायरेक्टली सेल्स होंगी। सेल्स कैसे निकालते हो? प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो जीवीओ विल बी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। If sales is directly given, you can apply this formula. And if you have to find the sales, then you will apply this formula. Now, what is change in stock? This delta stands for change. I told you in class 1, delta is what? It is change. So, change in stock. Change in stock ka formula kya hai bachcho? Closing stock minus opening stock. ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है, ठीक है, इतना नोट करो, फिर सेकंड स्टेप करते हैं। बच्चों फर्स्ट स्टेप नोट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड जीवीओ, जीवीओ एट एमपी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। प्रियंका मैम, डन? कर लिया नो? यस मैम। ओके, ठीक है। स्टेप टू, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेकेंड स्टेप इज फाइंड जीवीए एट एमपी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इट्स फॉर्मूला इज जीवीओ एट एमपी माइनस आईसी, आईसी इज वॉट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ दिस जीवीए इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट एमपी। GVA means gross domestic product. Gross domestic product. ठीक है बच्चों, second step is find GVA. Once you will find your GVO, then after you will find your GVA. GVA is also called as GDP. Now you must be familiar with the term GDP. GDP निकल गया तो बाकी के changes आप अपने आप कर सकते हो। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना है। स्पर्श, हमने जीवीओ निकाला था फोर्थ स्टेप में। अगर हम जीवीओ एमपी में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, देन वी विल गेट जीवीए। जीवीए इज व्हाट? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
इसे हम जीडीपी एट एमपीबी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिर्फ दो ही स्टेप है, फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने आउटपुट की वैल्यू निकाल ली, देन वैल्यू एडिशन निकालना है कितना का आउटपुट। तो वैल्यू एडिशन के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी होगी माइनस कर देंगे, तो दिस इज योर जीडीपी, यू विल गेट योर जीडीपी। क्लियर सर? मैम हम निकाल तो जीवीए रहे हैं, तो मैम जीडीपी कैसे निकल रही है? जीवीए पे वो ही तो जीडीपी बोलते हैं, बार बार यही तो बोल रहे हो बेटा। अच्छा सेम है मैम? हाँ, जीवीए इज कॉल्ड एज जीडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब हमने ग्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, जो जितने वैल्यू एडिशंस हुए, वैल्यू एडिशंस विल गिव यू फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? यस। क्लियर है सर? कर लिया नोट? यस मैम। अगर आपको क्वेश्चन में कहेंगे फाइंड एनवीए, देन व्हाट डज इट मीन एनवीए? नेट वैल्यू एडेड, NVA, NVA at MP. It is net value added at market price. And NVA is what? It is again, जहाँ पे भी VA होगा वो DP होगा, ठीक है? NDP, net domestic product at market price. ये आपको पता है, आप changes करके निकाल सकते हो. Once you will find GDP, you can easily find your NDP at MPM, NDP at FC, right? ठीक है, एक बार GDP निकल गया, उसके बाद basic changes करो, जो मर्जी निकाल लो। सिर्फ GDP at MP आपको पता होना चाहिए by this method, then you can find anything. Clear है बच्चों? NVA is also called as NDP, like GVA is also called as GDP. कर लिया नोट? नेक्स्ट इज वी हैव सम प्रिकॉशन दैट वी फॉलो व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम बाय दिस मेथड वी हैव सम प्रिकॉशन, राइट? फर्स्ट फर्स्ट इज फाइनल गुड्स की वैल्यू विल बी इंक्लूडेड, बट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम में एड नहीं होती। ठीक है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है। तो फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स will not be included. To avoid the problem of double counting, सिर्फ final goods की value को include करेंगे, intermediate के goods की value को include नहीं करेंगे while calculating your national income. देखो बच्चों क्यों? Online students, this portion is visible? Yes, ma'am.
ओके देखो ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन थी हमारी। इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स थे, ऑयल, शुगर, फ्लावर, बेकिंग पाउडर, राइट। एंड इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर फाइनल प्रोडक्ट था हमारा बिस्किट, दैट इज कुकी, राइट। अब देखो अगर हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हमने क्या किया, ऑयल था मान लो 150 का, शुगर थी 100 रुपीज की, फ्लावर भी था 100 रुपीज का, बेकिंग पाउडर था 50 रुपीज का। ये सारी वैल्यू ऐड कर लेते हैं हम लोग और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आया बिस्किट उसके अंदर ये सारे इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं है, है कि नहीं है, है ना, बिकॉज इन सारे इंटरमीडिएट गुड से ही तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट निकले। तो अगर मैं कहूँ कि पहले तुम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड कर लो और उसके बाद फाइनल गुड की वैल्यू को भी ऐड कर लो तो क्या होगा, डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी। तुमने पहले तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी प्लस कर दिया, फिर बाद में तुम फाइनल प्रोडक्ट की भी वैल्यू को प्लस कर रहे हो। फाइनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट गुड्स प्लस हो चुके हैं ना। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज कीप इन माइंड वी ऑलवेज रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। कहते तुमने इंटरमीडिएट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है ना सिर्फ इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। मान लो अगर ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा 200 रुपीज का है, अब ये थोड़ा ना इतने में से भी एक ही बिस्किट बना होगा, बहुत सारे बने होंगे ना, तो लेट अस सपोज कि 200 का बिस्किट है तो ये सारे वैल्यूज जो है वो 200 में ऑलरेडी इंक्लूड है, प्रोपोर्शनेट वैल्यूज इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी प्लस करूंगी और यहाँ पे भी प्लस करूंगी, अगर दोनों गुड्स को प्लस करती हूँ तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी ना, विच इज रॉन्ग। अगर तुम कंसेप्चुअली देखो गलत है कि तुम पहले तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऑलरेडी प्लस कर चुके हो फिर फाइनल गुड की वैल्यू को भी प्लस कर रहे हो तो डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड करते हैं, इस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड नहीं करते। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? यस मैम। फर्स्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, फर्स्ट ये तुम्हारी प्रिकॉशन थी कि फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है, इंटरमीडिएट की नहीं लेनी, जस्ट टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जिस घर में तुम लोग रहते हो उसका रेंट पे करते हो, मतलब जिन लोगों का खुद का घर है उसका रेंट पे करते हो तुम लोग किसी को? नहीं करते ना। अब उस रेंट की वैल्यू अगर मैं मानूं कि हाँ भी हम घर में रह रहे हैं, हमारा खुद का घर है, वी आर द ओनर ऑफ द हाउस, तो हम वहां पे रेंट पे नहीं कर रहे, उसकी जो वैल्यू है रेंट की वैल्यू दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और इट विल बी एक्सक्लूडेड। सोचो, थिंक अबाउट दैट। नाम रिपीट करना क्वेश्चन। इसका माय क्वेश्चन इज इफ यू आर द ओनर ऑफ द हाउस आर यू पेइंग एनी काइंड ऑफ रेंट टू एनीवन? नो। सो द वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ दैट हाउस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट? मैम इफ वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट हाउस हाउ कैन वी इंक्लूड, आई मीन हु इज गिविंग द रेंट? नो वन इज गिविंग द रेंट। लाइक एक घर है, ठीक है, मान लो तुम्हारा खुद का घर है, तो इस घर में जब हम लोग रह रहे हैं तो मतलब घर के नाम पे हट्टी बनती है, मैं इतनी अच्छी आग्रह रही हूँ कि पूरा घर बना दूं, तो इस घर में जब हम रह रहे हैं इसकी वैल्यू है, तुम एक पूरे घर को यूज कर रहे हो ना, yes. तो अगर कहीं बाहर देखो तो तुम रेंट पे करते हैं इसका। अब ये रेंट तुम्हारे सेल्फ के लिए है ना, तो क्या इसकी वैल्यू? अब तो ऐसे तो सबके घर, मोस्टली लोगों के अपने घर हैं, कुछ ही लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं तो उनके रेंट तो ऐड होंगे, तो जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनके रेंट ऐड होंगे नेशनल इनकम में कि नहीं होंगे? होंगे? नो मैम, नहीं होंगे। शिका और मैम, बिकॉज अपने घर में रहने के लिए वी आर नॉट पेइंग रेंट ना।
अपने घर में रहने के लिए वी आर नॉट पेइंग रेंट टू एनीवन, राइट? बट दिस इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउसेस. दिस इज इम्प्यूटेड रेंट. अच्छा तो वी गोना इंक्लूड दिस इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ऑलराइट, ओके. ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वो घर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जितने भी हाउसेज हैं वो सब रेंट पे है. तो वो सबकी जो रेंटल वैल्यू है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन हाउस, दैट विल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, वो हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. क्लियर? लिखो सेकेंड पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन हाउसेज. Imputed value of self-owned houses will be included in national income. Huh? National income. अब एक बात और बताओ, तुम्हारे घर में मम्मा she cooks for you, she cares for you. She teaches you sometimes, right? Are you paying anything to her? No. So service of housewife, service of like घर में हम कुछ भी service provide कर रहे हैं. If I'm teaching my son at home, ठीक है. If I'm teaching my nephew, niece, anyone to at home, that is my services. Will that be included in national income? No. इनकम जनरेट हो रही है वहां पे? नहीं हो रही. कोई भी गुड्स एंड सर्विस, सर्विस तो जनरेट हो रही है, बट वो किसके लिए? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए. ठीक है, अगर मम्मा तुम लोगों का काम कर रही है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रही है. ठीक है, शी केयर्स फॉर यू, दैट्स व्हाई शी इज वर्किंग फॉर यू. कोई जरूरी होना है कि करना ही करना है, तो ही मन करेगा नहीं करेगी, है ना? तो मम्मा की जो सर्विस है, यानी हाउस वाइफ की जो सर्विसेज होती हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो. हाँ, इफ यू आर ग्रोइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, कोई गार्डनिंग कर रहे हो, टमाटर उगा लिए, राइट, आलू उगा लिए, फर्स्ट में आलू उगाए थे अपना वो फैक्ट्री लगाने के लिए, आलू उगा लिए, तो वो सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्ट जो है, वट एवर यू हैव प्रोड्यूस, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में रिकॉर्ड की जाएगी. तो गुड्स की वैल्यू की जाएगी, सर्विस जो होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी अगर वो फैमिली मेंबर्स की है. हाँ, अगर सर्विस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है, तो दैट विल रिकॉर्ड इन नेशनल इनकम. मैं तुम्हें लिखवा दूंगी, इवन नोट्स में मेंशन है कि प्रिकॉशन व्हाट विल बी इंक्लूडेड, व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो वो ऑलरेडी नोट में गिवन है. ठीक है, सिर्फ समझा रही हो भी कि क्या चीज इंक्लूड होगी, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी. क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? अगर घर पे मम्मा की सर्विसेज है तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, राइट? अब इलीगल एक्टिविटी, अब जैसे स्पर्श है, मान लो स्पर्श को क्या है, पर्स को गैम्बलिंग का बहुत शौक है. मैम आप मेरे को ही खिलाते हो मैम इलीगल एक्टिविटीज में. चल मेरे को शौक है, छोड़, तुझे आना पसंद नहीं है ना मेरी क्लास में, मत आया कर आगे से, राइट? नहीं नहीं नहीं. अच्छा अब क्या आना है, देख ले, मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं ठीक है, मैं कॉमर्स टीचर, ठीक है, A1 की रुचि गुप्ता, उसे गैम्बलिंग का बहुत ज्यादा शौक है. तो मैंने इवन घर के घर बर्बाद कर दी अपनी गैम्बलिंग के ऊपर, कि सट्टेबाजी में मेरा पूरा इंटरेस्ट है. ठीक है फर्श, खुश है आप? तो नहीं मैम. आज नव्य बैठा है, नव्य को पकड़ लेती हूँ. ठीक है, हाँ नव्य, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज हैप्पी विद दैट. तो मतलब अगर मुझे गैम्बलिंग का शौक है, मैं वहां पैसा लगा रही हूँ, तो मेरी जो इनकम मैं अर्न करूंगी, दैट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम और विल नॉट बी? मैम नॉट. No, because मैंने आपको पहले भी बताया था, the money which is earned from illegal activities will not be included in national income. ठीक है, clear? इसी का कोई smuggling का शौक है, तो वो कुछ ना कुछ smuggle करती रहती है from one country to another country, तो
तो उसकी इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है ईशिका, ध्यान से करियो, इनकम कहीं नहीं जाएगी, फ्लैट में जाएगा सारा कुछ, तो आराम से स्मगलिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर तो आएगा ही नहीं कुछ भी। ओके अच्छा करनी है मतलब, चलिए ओके मैम, राइट क्लियर। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, यस मैम, प्रियंका मैम पेज शो करना फर्स्ट। ओके मैम, असाइनमेंट टू। ये स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया मैम शेयर। थैंक यू मैम। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मींस वी हैव टू फाइंड एनवीए एट एफसी। ठीक है, सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड, एनवीए एट एफसी। Ask first, what is the other name for NVA? First, first bolo. Kya man? NVA ka dusra naam. So ye find karna hai, right? ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। ड्यूरेबल यूज मतलब ये क्या है, तुम्हारा कैपिटल स्टॉक है, कोई मशीन है जिसकी लाइफ स्पैन कितनी है 10 years, और इसकी वैल्यू दी हुई है रुपीज में 10 lakh की उसकी वैल्यू है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, यूज किया, कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दे आर रॉ मटीरियल 5 lakh। Sales given already question में 20, unsold output produced during a year, unsold output मतलब it is stock which is not sold, तो जो output बिका नहीं वो क्या हो गया stock, तो तुम्हें यहाँ पे change in stock given है कितना 2, taxes on production that is 1। ठीक है, मैंने ये term थोड़ी सी नई थी आप लोगों के लिए, इधर देखो, let me solve it। सबसे पहले first step is find GVO at MP. So what is the formula for GVO? Sales plus change in stock. So sales is 20 and change in stock 2. 22 आ गया GVO. Next step, find GVA at MP. That is GVO at MP minus intermediate consumption. Intermediate consumption is सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, दैट इज इंटरमीडिएट 5। कितना आ गया 17 lakh। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस जीवीए और जीडीपी, जीडीपी एट एमपी टू एनडीपी एट एफसी। बस अब कन्वर्जन तुम लोग कर सकते हो, बट इसके लिए भी यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है, जीडीपी एट एमपी, ये देखो अनव्य, ये वे होता है नोन साइड अननोन साइड, ये निकालना है ना, ये अननोन हो गया, ग्रॉस से नेट पे गए, ग्रॉस और नेट के बीच का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे दर्शपी, माइनस नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बेसिक काम जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट।
तो अब आपका एनडीपी एट एफसी क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी माइनस डैट माइनस नेट, जीडीपी एट एमपी 17। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, लाइफ स्पैन दिया हुआ है ना 10 ईयर, टोटल वैल्यू दी हुई है 10 लाख, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 1। ठीक है, तो 1 डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेट कैसे निकालते हैं, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, टैक्सेस गिवन है सब्सिडीज नहीं है, तो टेक इट एज 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0, तो दिस इज 15। देखो बच्चों क्लियर है। मैम ये डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ना इसका फर्स्ट लाइन में गिवन है ना, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 इयर्स, तो जितनी टोटल वैल्यू होती है ना 10 लाख की वैल्यू है, अगर हम उसको लाइफ स्पैन टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं ना, तो यू विल गेट डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट में डेप्रिसिएशन का टॉपिक था, लेकिन फिर भी याद रखना डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना उसका टाइम पीरियड होता है मशीन का, मशीन है कोई भी इक्विपमेंट है। यस मैम। ठीक है, तो टोटल वैल्यू थी 10 लाख। अब मैंने लाख इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सब कुछ लाख में ही है, तो मैंने नॉर्मल ही डिजिट कंसिडर किए हैं। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है, एनी स्टेप विच इज नॉट क्लियर, क्लियर है मतलब ओके। अनवे एनआईटी इसमें हम डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जा रहे हैं, जीडीपी से एनडीपी में जा रहे हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस। बेटा हम लोग डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कहाँ जा रहे हैं, ग्रॉस और नेट जो होता है उसका डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस होता है जो कि नफिया होता है। ये ग्रॉस था, ये नेट है, ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, बड़े से छोटे पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्लियर गीतन? यस मैम। तुमने किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने करवाए थे क्लास में? यस मैम किए थे, मैं थी प्रेजेंट। देन कंफ्यूज लग रही हो बच्चे अभी भी? नहीं मैम अब क्लियर हो गया, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था। बेटा डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है दैट इज नफिया। ठीक है, जो फर्स्ट फर्स्ट इनके लेटर्स हैं वो है तुम्हारा जी एंड एन, दैट इज जी स्टैंड फॉर ग्रॉस एंड एन इज फॉर नेट। चेक करना अगर जहां मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं तो वहां पे चेक करना ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। नेट इज द नेट अमाउंट मीन सब कुछ डिडक्शन के बाद, तो इसलिए ग्रॉस और नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। NIT is net indirect taxes. ठीक है, net indirect taxes को कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला होता है IT minus subsidy. Indirect taxes minus subsidy. अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में अपने आप करूंगी, थर्ड तुम लोग करोगे ट्राई, सेकेंड मत करना अभी, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, जिसको क्लियर ना हो वो मुझे बता देना प्लीज। कर लिया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो। यस क्लियर है ना सबको फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब बाकी के क्वेश्चन आप लोगों ने करने, सेकंड मुझे करवाना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में ना
हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वी हैव टू मेक वन टेबल. जो तुमने फॉर्मूलाज लिखे हैं उसमें एक चीज और ऐड कर लेना. सम टाइम तुम्हें क्वेश्चन में सेल्स भी होंगी, या तो डायरेक्ट सेल्स भी हुई है. अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स, तो इसमें एक्सपोर्ट को भी प्लस करना है. बट अगर वो मेंशन होगा तभी, ठीक है, तो टोटल सेल्स कैसे निकलेंगी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट. जो एक्सपोर्ट करोगे वो भी सेल होगी ना. इसी तरह से अगर आईसी है, इंटरमीडिएट परचेजेस जो थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी. कंजम्पशन मतलब आईसी लो या आईपी लो, इंटरमीडिएट परचेजेस भी लिख सकते हो उसे. तो वो तुमने क्या की है? परचेज की है. वहां पे टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट. राइट बच्चों? आईसी समटाइम तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में दी होगी डोमेस्टिक परचेजेस, तो फिर देख लेना इंपोर्ट है कहीं पे. अगर इंपोर्ट नहीं है तो टेक इट एज जीरो, बट चेक जरूर कर लेना कि कहीं खाली डोमेस्टिक परचेजेस ले लो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो गलत हो जाएगा. राइट? ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत यूजफुल होता है. कर लिया नोट बच्चों ये? यस मैम. ओके. अब ये टेबल वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है. फर्स्ट यू विल राइट हियर डिस्क्रिप्शन, देन हियर GVO at MP, then IC, and then you will get GVA at MP, which is GVO at MP minus IC, right? Two forms are A and B. On the basis of following information, find value added by the forms A and B and GDP at MP. यहां पे ए लिख रही हूं, यहां पे बी. पहले देख लो, फर्स्ट लिसन टू मी देन राइट एवरीथिंग. एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए. एक्सपोर्ट मतलब क्या है? सेल्स है उसकी. सेल्स किस में जाएंगी? जीबीओ में जाएंगी. तो ए के लिए एक्सपोर्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट लिख सकते हो, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड इट इज बाय ए ओनली. 20 यहां पे डाल दिया. 20 एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स है तुम्हारी. माइंडस इंपोर्ट बाय फॉर्म ए. इंपोर्ट मतलब उसने क्या की है? परचेजेस की है. तो यहां पे तुम लिखोगे इंपोर्ट, लेकिन परचेजेस कहां आएंगी? आईसी में. तो इंपोर्ट कितनी है? 50. यहां पे लिख दिया 50. राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन? यस मैम. ओके. सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फॉर्म ए. ये भी सेल्स है. किसमें जाएंगी? जीवीओ में. तो सेल्स टू हाउस होल्ड अमाउंट इज 90. नेक्स्ट वी हैव सेल्स टू फॉर्म बी बाय फॉर्म ए. सेल्स टू बी. बच्चों अगर ए बी को सेल कर रहा है तो बी के लिए क्या हुई? वो परचेज. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री की थी ना हमने अकाउंट में, सेम ये कॉन्ट्रा एंट्री है. तो कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड कर दो साइमल्टेनियसली, यहां पे भी रिकॉर्ड कर दो. परचेज फ्रॉम फॉर्म ए. क्लियर है? अमाउंट क्या था इसका? 40. बच्चों क्लियर है? यस मैम. सेल्स टू फॉर्म ए बाय फॉर्म बी. तो बी ने क्या किया है? सेल किया है ना.
तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स टू ए, कितना अमाउंट 30, लेकिन इसके लिए क्या हो गई परचेजेस, तो परचेजेस फ्रॉम बी अमाउंट है 30. सेल्स टू हाउसहोल्ड बाय फ्रॉम ए, बाय फ्रॉम बी सॉरी, तो सेल्स टू हाउसहोल्ड 60. अब क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट. अब क्या करना है, इसका टोटल करो ए का, क्योंकि ए का वैल्यू एडेड अलग निकालना है बी का अलग, तो ये कितना हो गया 150, और इसका टोटल 80, राइट. आंसर कितना आ गया 70. इसका जीबीओ कितना आ गया 70, बिकॉज दिस माइनस दिस, जीबीओ माइनस आईसी. अगर यहाँ पे चेंज इन स्टॉक होता तो तुमने चेंज इन स्टॉक को भी यही लिखना है, क्योंकि वो प्लस होता है ना, तो चेंज इन स्टॉक को यही लिखोगे और जीबीओ के कॉलम में डाल दोगे, कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनेगा उसके लिए. नेक्स्ट इज ये कितना हो गया 90 एंड दिस इज 40, 50. तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए 70, बाय बी 50, एंड टोटल जीडीपी इट इज 120. मैम ये रिपीट करना. कौन सा बेटा, पूरा क्वेश्चन? यस मैम, ये डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड मतलब लिखना है वगैरह. देख बेटा क्वेश्चन रीड करना अपना. इसका फर्स्ट स्टेप देखे लिखे है, दोज हु हैव अंडरस्टैंड इट स्टार्ट डूइंग योर थर्ड क्वेश्चन, राइट. हाँ बी पार्ट है ना, जीडीपी एट एमपी, ऑलवेज जीडीपी एट एमपी ही आएगा, जीबीए मतलब जीडीपी एट एमपी, ठीक है, लिखवाया था ना अभी पीछे भी. कहाँ निकालना है इसकी, हाँ तो फिर कन्वर्ट कर देना उसे. हाँ इसी का देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट है एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, ये ए है ये बी है, दोनों अगर तीन होते तो तीसरा भी लिख देते. तो दो फॉर्म्स हैं ए और बी, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, एक्सपोर्ट मतलब सेल, एक्सपोर्ट आ गई यहाँ पे और जीबीओ में सेल्स की वैल्यू आ गई 20. देन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बाय फॉर्म ए मतलब परचेजेस हो गई, तो इम्पोर्ट को हमने आईसी में डाल दिया, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेजेस, राइट बेटा. दो पॉइंट समझ आ गए. नेक्स्ट है सेल्स टू हाउसहोल्ड बाय फॉर्म ए, या लिख दिया सेल्स टू हाउसहोल्ड, फॉर्म ए के अंडर ही है तो बाय फॉर्म ए नहीं लिखा, 90 का अमाउंट डाल दिया. देन वी हैव सेल्स टू फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, तो यहाँ से सेल्स टू बी, फ्रॉम बी को हमने सेल की है. अब देखो इशिका, ए और बी, ए ने इसको सेल्स की है, तो बी के लिए ये सेल्स क्या हो गई, परचेज, ठीक है. तो ये कॉन्ट्रेंसी टाइप होगी, मतलब डबल रिकॉर्डिंग होगी इसकी, इसमें भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया परचेज फ्रॉम फॉर्म बी, क्योंकि इसका परचेज का कॉलम में जाएगा अमाउंट, ठीक है बेटा. मुझे इसे बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस टाइप का कोई अमाउंट आएगा और इस टाइप की ट्रांजेक्शन आएगी तो उसे ध्यान में रखना. सेल्स टू फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, तो ए की बी की सेल्स हो गई, सेल्स टू ए लेकिन ए की परचेजेस हो गई, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी, तो इसके परचेज के कॉलम में और इसके सेल्स के कॉलम में, क्लियर. मैम हमने तभी डबल एंट्री करनी है ना जब दोनों एक ट्रांजेक्शन में, बिल्कुल जब दोनों ने एक दूसरे को सेल परचेज किया, ठीक है. अब लास्ट है सेल्स टू हाउसहोल्ड बाय फ्रॉम बी, ये तो सिंपल है, सेल्स टू हाउसहोल्ड डाला, उसके बाद बेटा ये जीबीओ है, जीबीओ को प्लस किया, उसमें से आईसी माइनस किया, यू विल गेट जीबीए. सेम इसमें भी किया, जीबीओ प्लस किया, आईसी माइनस किया, इसका भी जीबीए आ गया. ये वैल्यू एडेड बाय फ्रॉम ए है, ये बाय बी है, दोनों का टोटल जो है दैट विल गिव यू जीडीपी. यस मैम, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको क्वेश्चन, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है देन प्लीज आस्क. क्लियर, क्लियर है मतलब सबको, देन डू योर क्वेश्चन नंबर 3. अब मैंने पहले भी बताया था चेंज इन स्टॉक को यही डालोगे जीबीओ में, राइट है, चेंज इन स्टॉक और यही जीबीओ में डालोगे. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. मैंने आप लोगों को चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
स्टॉक कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. Excuse me, ma'am. Yes, Kita. Ma'am, indirect taxes तो इसके अंदर नहीं आएंगे टेबल के अंदर? नहीं, इसमें नहीं आएंगे. बट नंदनी, जब हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फ्रॉम एमपी टू एफपी, देन यू विल यूज इट. यस मैम. अब आप लोग जब ये मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब पता लगेगा कि बेसिक कितना इम्पोर्टेंट था. वो बेसिक क्लियर है, कन्वर्जन कभी भी करने के लिए बोल देंगे, राइट? ये तो मेन फॉर्मूला है. अब बेसिक जैसे यहाँ पे भी कन्वर्जन करना है फ्रॉम एमपी टू, वे आर टू कन्वर्टेड इनटू एफपी, तो वो बेसिक फॉर्मूला, वो तीन फॉर्मूला हमेशा हेल्प करेंगे ही करेंगे सारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल. नहीं, अभी कुछ नहीं करना. यू विल फाइंड ओनली जीडीपी एट एमपी फ्रॉम दिस बॉक्स. इवन ये पूरा जो टेबल है, इट विल गिव यू जीडीपी एट एमपी ऑलवेज. इसके आंसर्स मेरे पास शायद अभी हैं. क्या बेटा? नहीं, डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक लिखो ना. चेंज इन स्टॉक, हाँ, इधर लो. तो बात ही माइनस में लिखो उसको. देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे चेंज इन स्टॉक, ठीक है? ब्रैकेट में फॉर्मूला मेंशन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो यहाँ पे अमाउंट डायरेक्ट लिख दो, क्लोजिंग कितना 20 एंड ओपनिंग कितना 25, तो इट इज माइनस 5. ये अभी नहीं आएंगे अनव्य. ये ना जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना फ्रॉम एमपी टू एफसी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज होता है. मैं तुम्हें बता देती हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे तीन फॉर्मुलर्स के, तो वो भी जाते टाइम पूछ लेना मेरे क्लास. बोलो आंसर कितना आ रहा है? हाँ, वैल्यू एडेड बाय द फॉर्म कितना है? 3rd क्वेश्चन जी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, इट इज कमिंग आउट टू बी 55 एंड बाय बी इट इज 130. यस. And the GDP at FC is 155. Hmm.
उसकी परचेजेस इसमें डाल दी सेल, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी. सॉरी मैंने आंसर्स गलत लिखे हैं बिकॉज मैंने बहुत जल्दी में लिखे थे लास्ट में. 165 155 तो नहीं आ रहा रिटर्न में. मैम 255 आ रहा है जीडीपी टेस्टिंग का. GDPA test is 255. हाँ यही आ रहा है. सांची का भी यही आ रहा है 255. Maybe मैंने answers गलत लिखे हैं. By mistake it is false. Check to none then false. I check it again ना. हाँ. For me 115 आ रहा है ना. ठीक है let it be. अभी इतना ही रहने दो. Check करते हैं. GDP at MP, GDP at FC. सब कुछ सेम है ना. सिर्फ MP और FC का डिफरेंस है राइट. MP से FC पे जाने के लिए देख बेटा मार्केट प्राइस ये थी ना प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन. ये आ गई मार्केट. मार्केट आ गई. एक प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आएगा उसमें कुछ टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है टैक्सेस के साथ साथ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे इन दोनों का और विद इन फैक्ट्री जो होता है ना दैट इज तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडी. अब अगर मुझे एमपी से मार्केट प्राइस मार्केट क्या बड़ी फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट छोटा तो जैसे ही वो बड़े से छोटे से बड़े पे जाएगा तो नेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में नेट को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा. अगेन अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से नेट क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस नेट. ठीक है तो यहाँ पे जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस नेट. ठीक है जीडीपी आ गया कितना कितना आया था 285 माइनस नेट कितना है यहाँ पे टैक्सेस दिया हुआ है ना 30. तो इनडायरेक्ट सिर्फ टैक्सेस दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 है. टेक सब्सिडीज आर जीरो नथिंग. इफ नथिंग इज गिवन देन इट इज जीरो. तो 255 इज योर जीडीपी टैक्स. Do question number 4. Aachi wo sheet hai na mere ki. Haan bas karte raho apna question. नहीं 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 सिर्फ ये जब सेल्स वाले क्वेश्चन होंगे ना ए और बी दो फॉर्म्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तब. ये तो इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन है नॉर्मल करने हैं आपने.
जो दो स्टेप्स में करवाया ना वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, चेक वेदर एक्सपोर्ट्स आर गिवन और नॉट, सो एक्सपोर्ट्स आर आल्सो गिवन, सो योर टोटल सेल्स विल बी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। मुझे लग रहा मैंने यहाँ से गलत लिखा हुआ है। बच्चे इन क्वेश्चन नंबर फोर, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट विल गिव यू टोटल सेल्स, चेंज इन स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन -100 एंड डेप्रिसिएशन व्हाट यू हैव टू फाइंड GVA at FC। ऑलवेज रिमेंबर बाय दिस मेथड यू विल गेट GDP at NP, हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस आएगा, फैक्टर कॉस्ट कभी नहीं आएगा, यू हैव टू मेक कन्वर्जन देट। Anavya, let me tell you the basic concept first, because ये questions तब तक नहीं होंगे जब तक basic concept नहीं बताऊंगी। बच्चे थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इससे बेस्ड एक पूरी असाइनमेंट लेवल है वो सॉल्व करना है। देखो हमारे पास नए टर्म्स हैं ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस है ना बेटा वो है डेप्रिसिएशन का, राइट? डेप्रिसिएशन, यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। नेट जो होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड होता है। तो अगर हमें नेट की वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। देख बेटा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखेगा, मतलब याद करने का तरीका है, तो एक चीज छोटी है एक चीज बड़ी है, तो अगर तुझे छोटे से बड़े पे जाना है यू विल ऑलवेज ऐड समथिंग, और अगर बड़े से छोटे पे आना है यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट समथिंग, राइट? तो अब ये मान ले नेट है, ये ग्रॉस है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, ग्रैंड टोटल हो गया ना फिर से, तो प्लस करेंगे, और अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे। तो ये दोनों फॉर्म, इस फॉर्मूला को हम जैसे मर्जी रिवर्स करके अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट? सेकेंड कॉन्सेप्ट है बेटा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। आई टोल्ड यू विद इन द फैक्ट्री जितना भी इंटरमीडिएट होगा दैट विल बी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जितने भी हम लोग फैक्टर का प्रोडक्शन यूज करते हैं उनकी जो कॉस्ट है। अब जब वो मार्केट में आएगा फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा तो मार्केट प्राइस है। तो इन दोनों का जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है नेट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से मार्केट में आना है कुछ टैक्सेस लगेंगे उसके ऊपर, और गवर्नमेंट क्या करती है अपने प्रोड्यूसर्स को टैक्सेस के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लिए उसको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडीज? व्हाट आर सब्सिडीज बच्चे, नहीं पता? देख, दीज आर द फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स, राइट? अब हमें सुना है कि कंज्यूमर को भी सब्सिडी मिलती है सिलेंडर के ऊपर, सुना है कभी? सिलेंडर बुक करते हैं ना घर में, मम्मा पापा से पूछना जो भी करता है, तो अकाउंट में सब्सिडी जाती है, ठीक है? जब से मोदी जी आए उन्होंने तो सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया था। इफ इट कॉस्ट 800 समथिंग एंड 100 या 200 रुपीज आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो सब्सिडी मतलब अगर जो टैक्सेस होते हैं ना बच्चे वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देते हैं, सब्सिडीज जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देती है। तो गवर्नमेंट दोनों चीजें के बारे में सोचेगी, बिकॉज गवर्नमेंट एक ऐसा अकेला सोर्स है जो कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा। तो गवर्नमेंट कहती है जितने मेरे प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें अच्छे से, उनको कुछ प्रोडक्ट में टैक्सेस भी लगेंगे लेकिन उनको रिलीफ करने के लिए, उनको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड की, कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बहुत महंगे उससे मिल रहा है टैक्सेस के बाद, तो वो सब्सिडी मिलने के बाद उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये कम सब्सिडी नहीं, यहाँ टैक्सेस से कम होगी।
अल्टीमेटली मान लिया अगर टैक्स हम लोग 1000 रुपीज पे कर रहे हैं तो 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो प्रोडक्ट की अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी 800 रुपीज, राइट? तो सब्सिडी इतनी ज्यादा नहीं दे देंगे कि आपके टैक्सेस की वैल्यू बिल्कुल ही निल कर देगा, ऐसा नहीं होगा। सब्सिडीज हमेशा मतलब इट्स काइंड ऑफ अमाउंट विच विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो देख एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब व्हाई आई हैव रिटन इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज वी हैव टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन गवर्नमेंट बजट चैप्टर। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बटन हम शिफ्ट कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बटन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो किसी और से तो चार्ज नहीं करेगा ना उसे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या करता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जब उसने वो प्रोडक्ट तुम्हें बेचा तो वो टैक्स भी तुमसे ही रिकवर कर रहा है, करता ही नहीं करता। अब हम कहीं से खाना खाने जाते हैं तो सीजीएसटी यूजीएसटी आईजीएसटी सब लगे होते हैं ना उससे, तो दैट इज वो प्रोड्यूसर हमसे चार्ज कर रहा है टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया बटन, बस अभी इतना याद रखना। तो ये हमारे पास आईटी माइनस सब्सिडीज का फॉर्मूला होता है। अब देख मैंने बताया था ना टैक्स फ्री कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो छोटे से बड़े पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और अगर इससे वापस आना है तो फैक्टर कॉस्ट एमपी माइनस एनआईटी, राइट? तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, कर लिया बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, आगे आंसर कितना आंसर आया फोर्थ का, 1150 1150 दो पांच है ना उसके 1150 आ रहा है, एक ही एक है 1150 है, ठीक है 1150 ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में प्राइस पर यूनिट है, आउटपुट सोल्ड है, यू विल गेट सेल मल्टीप्लाई करके, ओके देन नेक्स्ट, और चेंज इन स्टॉक प्लस कर लिया कितना आ गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट 7000 माइनस करो, इंटरमीडिएट कॉस्ट एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, हाँ इसका आंसर आ रहा है 11500। हाँ थर्ड कॉन्सेप्ट इज बेटा डोमेस्टिक इनकम, बताया था ना मैंने डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बड़े लेवल का हो गया, डोमेस्टिक हमारे विद इन द कंट्री हो गया, तो इन दोनों के बीच का कॉम्पोनेंट क्या है, नफिया, ये मैंने समझा दिया तुझे, अर्न एंड पेड, वट एवर इनकम इज अर्न माइनस पेड, रिसीव माइनस पेड। तो देख अगर हमें नेशनल इनकम यानी बड़ा निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में नफिया क्या कर देंगे, प्लस प्लस छोटे से बड़ा, अच्छा सॉरी, देन डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम माइनस नफिया, ठीक है। अब देख बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला इसको निकालते कैसे हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है अननोन साइड, एक होती है नोन साइड, दिस इज नोन साइड एंड दिस इज अननोन साइड, अगर इसे यूज करेगा कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, बाकी बच्चे जल्दबाजी करते हैं शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी होगी। देख कुछ ना एग्रीगेट है नेशनल इनकम के, वो एग्रीगेट कहते हैं GDP at FC, GNP at FC, GDP at FC, NNP at MP, अच्छा FC से दोबारी हो गया, अच्छा GNP at MP, राइट, NNP at MP, NNP at FC, NDP at MP, NDP at FC, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी ऐसे ही है। अब अगर हमें कहेंगे डोमेस्टिक इनकम निकालो, सिर्फ डायरेक्ट लिखा है डोमेस्टिक इनकम, देन वी हैव टू फाइंड NDP at FC, दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। If they will say find national income, then we have to find NNP at FC. So this is our national income, right? अब question में कोई एक चीज given होगी, let us suppose GDP at MP given है, and we are saying find NNP at FC. हमेशा याद रखियो known side LHS,
अनोन साइड आरएसएस ये निकालना है। अब एक एक को कंपेयर करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, यहाँ मेरा एरो है मतलब ये निकालना है हमने। हाँ, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे, छोटे से बड़े पे, तो प्लस नफिया, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम होता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, छोटे से बड़े से छोटे पे, माइनस नेट। अब ये क्रॉस हो गया, देख ये करना नहीं है, समझाने के लिए ये पूरा यहाँ आ गया। एनएनपी, ये बेटा बोलो मैम, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हो ईशिका? यस मैम। बेटा वो तो जब एफसी निकालेंगे तभी यूज करेंगे, वो कहीं नहीं जाते। इस टेबल से तुम्हें सिर्फ जीडीपी एंड एमपी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन करना है बेसिक फॉर्मूला लगा के। मैम जीवीए क्या आ रहा है? जीवीए कितना आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर ना मैं एक बार फिर से कंफर्म करूंगी, क्योंकि माइट भी मैंने ये आंसर ना गलत लिखा हुआ है, तो आई चेक इट अगेन। मैं पोस्ट कर दूंगी ये सारे आंसर्स ना। ओके 285 आ रहा है इसका आई थिंक ना मैम। 285 आ रहा है। यस मैम 285 है। दोबारा कन्फर्म करूंगी आंसर क्या आएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखो अगर तुम्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेन कंपोनेंट दिया हुआ है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेंगे, सेपरेट कोई नहीं लेंगे, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट लेंगे, दैट इज 40। इस 40 के अंदर ये रॉ मटेरियल का 15 भी इंक्लूड है। रेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ये नहीं लेंगे अभी, इससे हमारा क्या यूज है, हमने तो नेट वैल्यू एडेड निकालना है। क्लियर बच्चे? इसके साथ ये सारी एडजस्टमेंट यही आएंगे, कोई साइन चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है इसे। अब ये तेरा फॉर्मूला बन गया इस तरह से, तो कोई भी फॉर्मूला बना सकता है इनमें से, किसी के लिए कोई भी फॉर्मूला बन सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करता है, राइट? समझ आ गया? अब इस पे बेस्ड असाइनमेंट है, वो सॉल्व कर दिया हमने। चल आपका क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे? 5। सो हैव यू कंप्लीटेड योर फर्स्ट पेज? यस यस मैम। ओके प्रियंका मैम, सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आई शो यू। प्रियंका मैम, आयशा मैम सेकंड पेज शो करना। ओके मैम, कर दिया मैम। ओके थैंक यू मैम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज। 5 है, नेक्स्ट 5 है, 6, टोटल 10 है। डू कंप्लीट दिस पेज बच्चे everyone, I'll post the answers. Another first time है, कोई problem नहीं है, जो ना समझ आए बच्चे पूछता रहे, ठीक है, गलत नहीं करना कुछ भी। Take your time. अब देख market size से factor cost, बड़े से छोटे पे जाना है तो minus net, इसके तुम्हें बीच के component भी याद रखने कौन कौन से होते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, ये सब सेम है ना, जीबीए जीबीए एवरीथिंग इज सेम, तो जो डिफरेंट है बस हम उसे चेंज करेंगे, तो इनको चेंज नहीं करेंगे। तो जीबीए एट एफसी विल गिव यू जीबीए एट एमपी माइनस नेट। फॉर्मूला क्या बना हमारा जो निकालना है, निकालना क्या है लिख उसको। हाँ
ठीक है बच्चों, कंप्लीट योर असाइनमेंट प्लीज. यस मैम. यस ऐशिका मैम, जो जीवीओ है एट मार्केट प्राइस और जीवीओ एट फैक्टर प्राइस, वो दोनों के फॉर्मूलाज तो सेम ही है ना? नहीं बेटा, फैक्टर कॉस्ट देखो ऐशिका, जो मैंने फॉर्मूलाज करवाए हैं वो जीवीओ एट एनपी के है. उसके बाद के बेसिक कन्वर्जन है जो आप अपने आप कर सकते हो. मतलब हमें अप्लाई करके ऑलवेज एमपी मिलेगा, देन यू विल अप्लाई योर बेसिक फॉर्मूला टू कन्वर्ट इट इनटू एसपी, राइट? यस मैम. यस, वी विल यूज इट. अभी अगर नहीं गिवन तो वी विल नॉट यूज इट ना. जीवीए है ना, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मींस इट इज जीडीपी. इसका यूज कब होगा? जब नेशनल वर्ड आएगा, क्योंकि नेट टैक्स इनकम तो हमें ब्रॉड है ना, तो जब नेशनल वर्ड आएगा तब इसका यूज होगा. बिफोर आई लीव द क्लास यू विल ऑलवेज लीव द क्लास. ओके बाय, बाय टू एवरीवन. थैंक यू मैम. ओके बाय.